जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत है? अल्लाह के उम्मीद करने हैं कि अल्लाह सारे भरावों ने तंदुरुस्ती सेहत दे ते खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। जनाब अज असी आए हैं चौधरी अबरार को, इन्हें एक नवा बीज जिहड़ा ना मुंजी का लाया है, तो इन्हों को मालूमात लेंदे हैं। जनाब देखो व्यू चेक करो, माशाल्लाह चौधरी अबरार का डेरा है। जनाब तुहानू अज एक नवी मालूमात जिमीदार भरावां वास्ते बेहतरी जिहड़ी है ना वो लियाना चाहते ने चौधरी अबरार। अपने जदोजहद करके नवे बीज का इंट्रोडक्शन करवाया ना, सुपरी भी बीजी है तो होर भी काफ़ी बीज तो जिहड़ा ना सर्च कर रहे हैं, तो असी चौधरी अबरार साहब नाल जनाब ताड़ी गुफ्तगू कराने हैं। व्यू चेक करो सर, सर कोशिश है कि जिमीदार भरा नहीं मेहनत करते ने उन्होंने तक अच्छा जरा ना मार्जिन पहुँचे, ऐसा बीज मुतारक भरवाया जाए ताकि भरा मेहनत जी करते ने उन्होंने अच्छा रिजल्ट मिले। सर विजिट कर रहे ने चौधरी अबरार साहब, तो मैं बेहतर समझे चलो भरावान तक जरा एक नवी चीज़ पहुँचे, तो जनाब उन्होंने ताकि गल भी कराने तो उन्होंने पूछने यदा तरीकाकार किन्ने दिन की ये मंजी हो गई की ये तो खर्चा आया। लो सर चेक करो, माशाल्लाह जबरदस्त सीन है, अच्छी मुंजर है, मोटाई बहुत अच्छी है, दाने की पैदावार भी खूबसूरत है। तो जनाब चौधरी अबरार साहब साढ़े नाल ते एना नाल गुफ्तगू करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अर्शद भाई? ठीक हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सर जी ये जो तुसा बीन लाया है जी जी थोड़ा लेट लगा क्योंकि लाभ सी लगी थी मुआयना करो, पंजाह दिन हो गई जी कंडीशन जी। ते सर जी ये की तुसें ऐसा जेड़ा ना जेन बनाया कि इन लाना चाहिए, ये की बेहतरी आएगी किसाना भरावों वास्ते, बजट के बारे च सानू कुछ दसो। सर जी रिजल्ट ही है ना, पहली दफा मैं भी काश की थी, ये खाद ज्यादा वैसे जरा ना सुपर ना खाद ज्यादा इस्तेमाल कर दी है, 21 किले जरा ना टोटल जी ना मैं फसल लाई दी है, ते 2 एकड़ जरा ना यह लगाई दी है 1509 या इनू बोसा कहते हैं जे ना लगाने वाले लाभ वो लैके आए हैं बीज, तो कहते हैं चंगा बीज इन ट्रायल के तौर पर लाया जाए तो माशाला चंगी फसल है सामने ही नजर आती भी थानू ठीक है। माशाला व्यू तो बड़ा प्यारा सर, वो कहते हैं कि जरा ना 70-80+ जरा ना मन जरा ना एवरेज दे दी है फी एकड़ की, यह तकरीबन जरा प्लाट है कोई 7 कराला प्लाट है, तो यह एकड़ का प्लाट है, यह छोटी है तकरीबन
35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੋਈ 52 ਜਾਂ 53 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਬੀਜ ਲੈਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 DAP ਦਾ ਬੈਗ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਤੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਪਿਆ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਊਂਡ ਬਾਊਂਡ 50 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਬਾਊਂਡ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-45-50 ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ 4,000-3,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,70,000-80,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਗਰ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਏਕੜ ਬੱਚਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।